हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं दो अमेजिंग न्यू आई थीम्स, जिसमें से मैंने यहां पे एक थीम को अप्लाई किया हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी लुकिंग के साथ देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे चेंजेस आपको और भी देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन भी आपको कस्टमाइजेशन के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको इस वीडियो को फुली वॉच करना है, और हम अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस थीम के बारे में बता रहा था, जिसमें आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसी लुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे क्लॉक का विजेट देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ से म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप यहाँ पे इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन होती है, कोई पॉपअप व्यू यहाँ पे ओपन नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस थीम में जो कंट्रोल सेंटर है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। आप चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी अमेजिंग यानी थीम देखने को मिलती है। आपको नोटिफिकेशन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल ही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो सेटिंग्स का UI है, वो कुछ ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। आप देखोगे, आपको जो साइड वाले टॉगल्स हैं, जो आपको साइड वाले आइकन्स देखने मिलते हैं, उसमें आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो आपको 3D लुक में देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अमेजिंग है। काफी अच्छी लुकिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और आप यहाँ पे देखोगे, जो इसकी लॉक स्क्रीन है, वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। आपको कुछ ऐसी एनिमेशन क्लॉक के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और आप जब यहाँ पे स्लाइड राइट करोगे, तो आप देखोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो आपको कुछ ये चीज देखने को मिलती है। आपको वेदर का विजेट देखने को मिलता है, कैलेंडर का विजेट देखने को मिल जाता है, बैटरी देखने को मिल जाएगी, आपकी स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैश लाइट सेटिंग्स का आइकन देखने को मिलता है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्किंग है यहाँ पे। और आप देखोगे, आप जब यहाँ पे क्लॉक पे डबल टैप करोगे, तो आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से आप टाइम के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जो कि आपको 3 स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे, तो आप यहाँ पे इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो, जहाँ भी रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसके टाइम के इन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इसे ऑफ कर दोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक हो जाएगा। इसे ऑन करोगे, तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, यानी कलर को चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इसे ऐड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम देखने को मिल जाता है। इसकी जगह आप अपना नेम भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूं आपको कैसे ऐड करना है। सो यहां पे आप देखोगे, उसके बाद आपको टाइम को बोल्ड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे क्लिक कर दोगे, तो आपका टाइम यहां पे बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे, आपको टाइम की शैडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी टाइम की शैडो को इनेबल कर सकते हो यहां से। उसके बाद आपको यहां पे ग्लोबल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आप यहां पे नोटिफिकेशन के कलर को चेंज कर सकते हो, यानी पूरी सेटिंग्स का कलर चेंज हो जाता है। और साथ में जो आपको नोटिफिकेशन आएगी, वो भी ब्लैक कलर में यहां पे आएगी। सो आपको ये चेंज कर सकते हो यहां से। और यहां पे आप देखोगे, नोटिफिकेशन का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे सेट कर सकते हो यहां से। और आप यहां पे देखोगे, आप नोटिफिकेशन की पोजीशन को यहां से सेट कर सकते हो, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप यहां पे जो स्मॉल आइकन एट द बॉटम आपको देखने को मिलता है, जो बॉटम में स्मॉल आइकन आपको देखने को मिलता है, उसे यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। डार्क मास्क को यहां से इनेबल कर दोगे, तो आप देखोगे वॉलपेपर आपका डार्क हो जाएगा। इसे ऑफ करोगे, तो आपको यहां पे लाइट वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आप यहां से ब्लर को भी इनेबल कर सकते हो, और ब्लर को यहां से ऑफ भी कर सकते हो। नेगेटिव वन स्क्रीन जो आपको यानी स्लाइड राइट करने पे देखने को मिलती है, उसे आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पे मोड की सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आप सीधे लॉक स्क्रीन की जो थीम स्टोर में आपको सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, वो आपकी ओपन हो जाएंगी। अगर आपकी यहां से ओपन नहीं होती है, तो आपको थीम स्टोर पे आके, अकाउंट पे आके, लॉक स्टाइल पे आके, कस्टमाइज पे क्लिक करके ये सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। आपको यहां पे देख सकते हो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऑलवेज ऑन कर सकते हो। यहां पे आपको डायनेमिक आइकन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हो एनिमेशन को चेंज कर सकते हो यहां से। उसके बाद आप देखोगे स्क्रीन ओपनिंग एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो यहां से। और जो क्लोज बटन आपको राइट साइड में देखने को मिलता है नोटिफिकेशन बार के, उसे आपको यहां पे ऑन ऑफ कर सकते हो। और जो आपको मैंने सिग्नेचर दिखाया था, जिसमें आपको यूजर नेम लिखा हुआ देखने को मिल रहा था, उसे आप यहां से एडिट कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं सपोज अपना नेम लिख लेता हूं, आपको ज्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखना है, अपना नेम ही यहां पे लिख लीजिएगा। अदरवाइज आप छोटा सा कुछ भी लिख सकते हो, और ज्यादा बड़ा मत लिखिएगा, वो लिखा नहीं जाएगा यहां पे। आपने देख लीजिए, यहां पे मैंने अपना नेम ऐड कर लिया है। उसके बाद आप देखोगे, यहां पे मैं आऊंगा लॉक स्क्रीन पे, तो आप देखोगे यहां पे सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूं, यहां पे डबल टैप करना है। यहां पे आप देखोगे सिग्नेचर को एक बार दोबारा ऑन कीजिएगा, तो आप देखोगे यहां पे आपका ये नेम ऐड हो जाएगा। और दोबारा आओगे यहां पे लॉक स्क्रीन पे, तो आपको बस यही सेटिंग देखने को मिलेंगी। और कस्टम इमेज को भी आप यहां से ऐड कर सकते हो, जिसके आप देख सकते हो विड्थ आपको यहां पे ये रखनी है और हाइट ये रखनी है, अदरवाइज आपकी जो इमेज है फ्रीज हो जाएगी। आपको यही विड्थ और हाइट की इमेज यहां पे ऐड करनी है, जो कि आपकी यहां पे ऐड होगी, जो कि आप देख सकते हो आपको ये वाली इमेज देखने को मिल रही है, यहां पे ऐड हो जाएगी। और इस थीम के साथ आपको एक चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हो यहां से मैंने चार्जर से जैसे कनेक्ट किया, आप देखोगे नीचे आपको कुछ ऐसी चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगी। यहां पे पहले पहले जो टेक्स्ट है वो चेंज होता है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, सुपर फास्ट चार्जिंग। उसके बाद आपकी बैटरी परसेंटेज आपको शो करेगा। और ये थीम डार्क मोड और
लाइट मोड दोनों को ही अच्छे से सपोर्ट करती है। आपको इस थीम को अप्लाई करने के लिए आ जाना है थीम स्टोर पे और आके ये थीम सर्च करनी है प्लेन IUM14 जो कि आप चेक कर सकते हो। इसका साइज 29.7 MB है। इसके क्रिएटर यानरू है, काफी अमेजिंग भाई ने थीम बनाई है, सारा क्रेडिट भाई को जाता है, बहुत अमेजिंग थीम है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर लेना है। फुली अप्लाई कर लीजिएगा, लाइट मोड में कीजिएगा या डार्क मोड में, वो आपकी मर्जी है, आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। नंबर टू थीम आपको यहाँ पे सिंपल कलर फ्लो देखने को मिलती है जिसका साइज 3.8 MB है। क्रिएटर ट्री नेटवर्क है, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लाइट मोड में अप्लाई करना है इस थीम को, क्योंकि ये जो थीम है वो लाइट मोड को ही परफेक्टली सपोर्ट करती है। सो इसे यहाँ से फुली अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसी लुकिंग देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है जो कि काफी अमेजिंग है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अगर आपके कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड है तो ऐसे आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो जो कि आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। ऐसे आप चेंज कर पाओगे। आपको आपका मी मैसेज और डायलर भी यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसी लुकिंग उसमें देखने को मिल जाएगी। सेटिंग्स का UI भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको ये देखने को मिल जाता है। काफी अमेजिंग थीम है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन आप चेक करोगे तो वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जब स्लाइड लेफ्ट करोगे तो आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्लॉक का विजेट देखने को मिल जाता है, कैलेंडर वेदर का विजेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे म्यूजिक का विजेट देखने को मिल जाता है। और आप क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन को इजिली ओपन भी कर सकते हो जो कि आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ आपको आज की थीम्स देखने को मिलती है। ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।